फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। नाउ यहाँ पे टोटल 9 पॉइंट्स है, ये मैं सारे एक्सप्लेन करूंगा और फिर एक स्टोरी बनाया ब्रेकअप, वो तुम्हारे 9 पॉइंट्स के 9 पॉइंट्स लग हो जाएंगे वो स्टोरी से जो बनाया है। सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड ये जो पॉइंट्स है, उसके बाद में स्टोरी के थ्रू तुम्हारे 9 के 9 पॉइंट्स लर्न करवा दूँ। पहला, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी क्या है। अच्छा, कल विजडम आई की एग्जाम में एक बच्चे को पूछा था फंक्शन, लिख कर आया फीचर्स। भाई फंक्शन और फीचर में फर्क है, वो कंफ्यूज नहीं करना एग्जाम, ठीक है। सो पहला करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस किस प्रकार का, इनकमिंग करस्पॉन्डेंस, आउटगोइंग करस्पॉन्डेंस, ज्यादातर तो आजकल ईमेल से होते हैं। करस्पॉन्डेंस शेयर होल्डर से करना पड़ेगा, डायरेक्टर से करना पड़ेगा, गवर्नमेंट के एजेंसीज होंगे, एम्प्लॉयज होंगे, इनवर्ड मेल, आउटवर्ड मेल, इंक्वायरीज का रिप्लाई। सो सेक्रेटरी के बहुत सारे काम है, रिकॉर्ड्स रखना पड़ेगा, कोर्ट ऑफ लॉ में प्रूव होता है इनकमिंग आउटगोइंग करस्पॉन्डेंस, है ना। दूसरा, ऑफिस मैनेजमेंट। ऑफिस मैनेजमेंट में जो ऑफिस के रूटीन होते हैं, कई बार स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ ऑफिस रुक जाता है, प्रिंट आउट के कागज खत्म हो गए या रिबिन खत्म हो गया, छोटे मोटे चीजें हैं। तो जो ऑफिस का स्टाफ है उनको कई बार ट्रेन करना पड़ता है कि तुमको इस प्रकार से काम करना है। सो डे टू डे मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस जो है उसको, उसके लिए सेक्रेटरी को काम करना पड़ता है। इट्स मोर ऑफ जैसे छोटे छोटे बिल्स है, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया कि नहीं, जो ऑफिस के इलेक्ट्रिक के काम, प्लम्बिंग के काम, रूटीन रूटीन चीज है, दैट इज ऑफिस मैनेजमेंट। डे टू डे रुकना नहीं चाहिए काम, करेक्ट। रिसेप्शन फंक्शन, आजकल थोड़ा सा ये टेक्नोलॉजिकल हो गया तो रिसेप्शनिस्ट का रोल कम हो गया, आजकल ऑटोमेटिक वो ट्रांसफर करता है ना। तुम क्रेडिट कार्ड वालों को फोन करोगे तो वो लोग नंबर के थ्रू, इफ यू वॉन्ट टू नो हाउ मच इज स्पेंडिंग, 01 बोलो तो अपने आप बता देगा, बट कुछ प्रॉब्लम है देन यू हैव टू गो डीपर एंड देन टॉक टू द पर्सन। सो रिसेप्शन फंक्शन क्या है, कई बार जब तुम फोन करोगे तो रिसेप्शन वाला, जैसे कि मीट कोई आया है डायरेक्टर से मिलना है, तो सेक्रेटरी क्या बोलेगी, वेट करो या फोन आया तो लाइन ट्रांसफर करो, इस प्रकार से, है ना। सो इंक्वायरीज, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट्स, तो रिसेप्शन बेसिक लेवल पे फंक्शन है, नॉट अ हायर लेवल फंक्शन। लेकिन रिसेप्शनिस्ट सुना होगा ना, रिसेप्शनिस्ट वो मोर ऑफ इंडिविजुअल की सेक्रेटरी भी हो सकती है। फिनेंशियल फंक्शंस, अब मैंने बताया था ना क्लब रहा तो उनका सब्सक्रिप्शन रहता है, तरण तालाब एनुअल मेंबरशिप 6 से 6.5 7 हजार होना चाहिए साल का, उसका हिसाब किताब, रिसीट और पेमेंट। तुमको कायदे से फिर इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है। इफ इट्स अ ट्रेडिंग कंसर्न, तुमको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब रिसीट और पेमेंट, कई बार सीनियर या तुम्हारा एम्प्लॉयर बोलेगा प्रिंट आउट लाओ बैंक का स्टेटमेंट, क्या कितना कैश हाथ में, ये सब पता चलेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉयर को इंफॉर्मेशन जो मांगेगा, है ना। तो ये सब फाइनेंशियल फंक्शंस, तुमने सामने वाले को 25-30 लाख का कर्जा दिया, उसका डेटा बताओ, लेजर लेकर आओ, ये सब सेक्रेटरी को रखना पड़ता है। अरेंजिंग मीटिंग्स, तुम इसको 3 भाग में बांटना, बिफोर द मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग, आफ्टर द मीटिंग। बिफोर द मीटिंग क्या होगा, नोटिस भेजना, जगह या तो हेड ऑफिस होगा या तो सिटी जहाँ हेड ऑफिस सिचुएटेड है। बिफोर द मीटिंग नोटिस भेजो, हॉल बुक करो, मे बी सवेरे है तो चाय, दोपहर है तो लंच, ठीक है, अरेंजिंग चेयर्स। अब लोग मीटिंग में आएंगे तो मिनिमम प्राइवेट में 2 चाहिए, पब्लिक में है 5 चाहिए, तो कोरम चेक करो। मीटिंग शुरू हो जाए तो चेयरमैन जो मीटिंग का रहता है वो सेक्रेटरी मदद करेगी चेयरमैन को मीटिंग कंडक्ट करने में, और मीटिंग में क्या हो रहा है रिकॉर्ड करेगी, क्योंकि मीटिंग के बाद मिनट्स बनाना पड़ता है, किसने बोला वोटिंग बाय पोल, पर्ची तो पर्ची और बैलेट बॉक्स तैयार करो, ठीक है ना। और मीटिंग के बाद जो डिसीजन हुआ उसको इंप्लीमेंट करो, मिनट्स तैयार करो, जो डायरेक्टर को अपॉइंट हुआ उसको लेटर लिखो, ऑडिटर का अपॉइंट हुआ उसको लेटर लिखो, फिर रजिस्ट्रार को स्पेशल रेजोल्यूशन, मतलब 100 में से कंपनी का नाम बदलना है, बड़े चीज है, तो 100 में से 75 लोगों ने हाँ बोला, इसको स्पेशल रेजोल्यूशन बोलते हैं, ये रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करो, ठीक है ना। ये सब मीटिंग्स के फंक्शन है। कुछ स्टैचुटरी भी फंक्शंस है, मेन काम क्या रहेगा, इंकम टैक्स एक्ट 1961 होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो कस्टम्स एक्ट आई थिंक 1962 है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है,
बहुत सारे एक्ट है जो लागू होंगे। पार्टनरशिप है तो पार्टनरशिप एक्ट 32 रहेगा, एचयूएफ है तो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 होगा, कोऑपरेटिव सोसाइटी है तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 रहेगा, ठीक है ना। ऐसे जो कायदे, फैक्ट्री का तो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे कायदे सेक्रेटरी को पता होना चाहिए। असिस्टेंस इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज क्या होता है? अभी आई थिंक विप्रो का एग्जाम्पल ले लो। विप्रो या कोई तो कंपनी है जो हर साल, एक तो तुम्हारा फिक्स सैलरी होगी 50-60 हजार, लेकिन उसके अलावा नया कस्टमर लाते हो तो कमीशन रहता है। तो इस साल विप्रो इंफोसिस धंधा थोड़ा सा कम है, मार्केट डाउन है, तो इन्होंने बोला हम बोनस जितना तुम एक्सपेक्ट करते हो पिछले साल दिया था उतना नहीं देंगे, कम लेंगे। तो ये सब पॉलिसी बनाया है कि भाई प्रॉफिट डिप हो रहा है क्योंकि कस्टमर इस साल कम है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर, मार्केट डाउन हो रहा है थोड़ा सा। तो हो सकता है पॉलिसी बनाया जाए कि इस साल कोई नए कैंडिडेट्स को हायर नहीं करेंगे, प्रमोट नहीं करेंगे, प्रमोट किया तो पगार ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं। ये सब पॉलिसी जो बनता है उसमें हेल्प करती है, प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन। सीधा हिसाब है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स अलग अलग इंफॉर्मेशन मांगेंगे सेक्रेटरी से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मांगेगा इनकम टैक्स के रिकॉर्ड्स, शेयर होल्डर्स मांगेंगे जो नहीं आ पाया वो किसी और को भेज रहा है, वो प्रॉक्सी लिस्ट दो, ठीक है ना। फिर एम्प्लॉयज बोलेंगे फाइनल अकाउंट्स या कंपनी में जो प्रॉब्लम्स हो रहा है उसका रिपोर्ट बताओ। तो अलग अलग लोग, बैंक्स वाले बोलेंगे कि एक्स्ट्रा आधार कार्ड या कुछ और प्रूफ ऑफ एड्रेस या कुछ जो भी एक्स्ट्रा मांगा बैंक्स ने, डॉक्यूमेंटेशन, एक लेटर ऑफ क्रेडिट होता है उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। जो बैंक ने तुमसे डॉक्यूमेंट मांगा डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप ऑफ एम्प्लॉयर है वो सबमिट करना है ना। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, जिसमें ऑफिस वर्क, लोगों को ट्रेनिंग, क्या होता है सेक्रेटरी का अनुभव रहता है, एक बार ट्रेनिंग कर दिया तो सेक्रेटरी डिड नॉट डू दैट ड्यूटी, उसका असिस्टेंट कर लेगा। मतलब सेक्रेटरी का भी असिस्टेंट होता है, सेक्रेटरी सब कुछ थोड़ी कर सकती है। तो उसको ट्रेन करना, बुक्स को कस्टडी में रखना, प्रॉपर सब रखना, पासवर्ड्स, आजकल तो सब पासवर्ड बेस्ड है, ओटीपी बेस्ड है, सब रिकॉर्ड्स रखना। आया समझ में? बहुत सिंपल है ये फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। अब मैंने जैसे प्रॉमिस किया था, इसको लर्न करने के लिए मैंने एक स्टोरी बनाया, मेरी प्रेम कहानी में नारियल पानी। अब ये स्टोरी क्या है, लेट अस अंडरस्टैंड। शुरू करें, ब्रेकअप पर बनाया हमने, तेरे लिए क्या क्या नहीं किया, रात भर करस्पॉन्डेंस करते थे हम या किया हमने, रात भर फोन या व्हाट्सएप चैट जो बात करते थे, ठीक है। मेरे पापा के ऑफिस में जाकर, मतलब रात भर तेरे से करस्पॉन्डेंस किया, मेरे पापा के ऑफिस में जाकर रिसेप्शनिस्ट के पैर पड़े कि मेरे पापा को बोलो कि गुस्सा मत हो पर 4,000 रुपये फिनेंस निकालो। तेरे लिए रात भर करस्पॉन्डेंस किया, तेरे खातिर पप्पा के ऑफिस में गया, रिसेप्शनिस्ट के पैर पड़े कि पप्पा को बोलो जरा 4,000 फिनेंशियल ढीला करो। क्यों? क्योंकि क्योंकि आईपीएल का फंक्शन देखना है, पर पप्पा तो निकले देर शाम है, पप्पा ने मम्मी के साथ मीटिंग किया। जैसे ही पप्पा ने मीटिंग किया तो स्ट्रेट अवे का स्टैच्यूटरी, मतलब स्ट्रेट अवे का एक फुटी कौड़ी दे दू। शुरू करो, रात भर तेरे साथ करस्पॉन्डेंस किया, तूने आईपीएल में जाने की इच्छा दिखाई, तेरे लिए मैं पप्पा के ऑफिस में गया, रिसेप्शनिस्ट के पैर पड़े कि पप्पा को गुस्सा मत दिला लेकिन पप्पा से फिनेंशियल 4,000 रुपए मांगो। पप्पा तो डेढ़ शाने निकले, पप्पा ने मीटिंग किया माताजी के साथ, मीटिंग के बाद स्ट्रेट अवे मुझे कहा स्टैच्यूटरी एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। मेरा तो दिल तिरुट गया। फिर माँ ने खत्म करते हैं, फिर माँ ने असिस्ट किया मुझे, 50 रुपया दिया, बोला ये पॉलिसी है इससे ज्यादा नहीं दे सकती। मैंने दुखी होकर ये इंफॉर्मेशन तुझे प्रोवाइड किया तो तूने कहा इट्स ओके, फिर हमने नारियल पानी पिया 50 रुपए का। कभी कभी खत्म हो गया, कभी कभी ऐसा लगता है मैं आदमी नहीं कुत्ता बन गया हूं। वापिस एक बार करें, क्या था स्टोरी? रात भर तेरे से करस्पॉन्डेंस किया, तेरी इच्छा थी आईपीएल जाने की तो मैं गया, पप्पा
पप्पा के ऑफिस में रिसेप्शन रिसेप्शनिस्ट के पैर पड़े, बोला पप्पा को गुस्सा मत होने दो लेकिन पप्पा से 4,000 रुपया फाइनेंशियल बोलो। पप्पा ने मीटिंग किया मम्मी के साथ, मीटिंग करने के बाद स्ट्रेट अवे कहा, स्टैचुटरी मतलब स्ट्रेट अवे कहा, एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। बट मम्मी ने असिस्ट किया, बोला पप्पा की यही पॉलिसी है लेकिन बेटा 50 रुपए ले ले। फिर ये इन्फॉर्मेशन मैंने मैडम को दिया, मैडम को इन्फॉर्मेशन दिया, मैडम ने बोला इट इज ओके, और फिर हमने 50 रुपए का नारियल पानी पिया। और फिर मैं शाम को बैठा हुआ सोच रहा था कि कमा तो नहीं रहा एडमिनिस्ट्रेशन, मैं आदमी नहीं कुत्ता बन गया हूँ, 50 रुपए के ही मैं कर पा रहा हूँ, इससे ज्यादा नहीं। तो अब ये 9 पॉइंट्स लिख के निकालो, देखो कितने याद है।